आज 13 जनवरी है और आज दिन भारत के लिए काफी अहम दिन है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन आज आधिकारिक तौर पर ऐलान करेगा कि भारत अब पोलियो मुक्त देश बन गया है। गौरतलब है कि पिछले 2 साल से भारत में पोलियो का एक भी केस सामने नहीं आया है। जन्म से लेकर 5 साल तक दो बूंद जिंदगी की, हर बच्चा हर मां। एक बूंद जिंदगी की, ये नारा भारत में पल्स पोलियो अभियान के लिए एक मिशन बन गया। गांव गांव, गली गली, हर शहर, हर महानगर, हर मोड़ पर, हर नुक्कड़ पर, घर घर, लगातार कई सालों से संघर्ष के बाद भारत ने अब पोलियो जैसी बीमारी को गुड बाय बोल दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 2 साल से पोलियो का एक भी केस सामने नहीं आया है। भारत में आखिरी बार पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 13 जनवरी 2011 को पोलियो का केस सामने आया था। स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कुछ समय पहले कहा था 13 जनवरी 2014 तक भारत में अगर पोलियो का एक भी केस सामने नहीं आया तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि साल 1978 में भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गयी थी, जिसके बाद इस अभियान के लिए खूब प्रचार प्रसार किया गया। पोलियो मुक्त भारत एक मिशन बन गया। करीब करीब हर क्षेत्र की नामचीन हस्तियों ने इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज नतीजा सामने है। गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत ने अब इस बीमारी पर विजय पा ली है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।